आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन है भाई ये जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दोस्तों ये है घोस्ट ऑफ कीव, जिसकी बहुत बातें चल रही हैं। इसकी बातें क्यों चल रही हैं? ये जो पायलट है इसने क्या किया है, इसने एक दिन में अकेले रशिया के 6 विमानों को मार गिराया है। हम वीडियो भी देखेंगे। अब देखिए ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा मोराल बूस्टर है। आपको पता ही यूक्रेन में अभी 350 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है, इसमें काफी बच्चे हैं, 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 116 बच्चे हैं इसमें, तो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड है। रशिया यूक्रेन बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की ने बोला है कि हम बेलारूस में बात नहीं करेंगे। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन कैसा बिहेव कर रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा भारतीय छात्रों का मानना है। लेकिन यहां पर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि यूक्रेन के पायलट ने 6 रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया 24 घंटे में, और यूक्रेन की सारी अथॉरिटीज ने ये ट्वीट किया, जो यूरोपियन यूनियन के ब्रांड मतलब जो एम्बेसडर है उन्होंने ट्वीट किया। तो आप ये समझिए कि 21st सेंचुरी फाइटर एस, फाइटर ये एस पायलट क्या होता है जो 5 से ज्यादा विमानों को, फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराए, उसके लिए स्किल चाहिए भाई। हवा में फाइट हो रही है, वो भी आप अपने से 5-6 गुना ज्यादा ताकतवर से फाइट कर रहे हो, तो ये आसान नहीं होता है, ठीक है। अब इस पायलट को घोस्ट ऑफ किए बोला जा रहा है। दोस्तों जब भी यूक्रेन का फाइटर जेट ऊपर से जाता है, हर पूरे लोग जो है वो खुशी से चिल्लाते हैं घोस्ट ऑफ किए, घोस्ट ऑफ किए। ऐसा है कि मतलब समझ लीजिए कि जनता में जोश आ जाता है। तो देखिए जो भी हो कहानी, अब ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है वीडियो। अब जैसे ही ये प्लेन जाता है ना, हर कोई घोस्ट ऑफ किए, घोस्ट ऑफ किए, यहां पे मतलब पूरा एकदम लोग अलाइव हो जाते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपको बता दो कि हमारी शिवरात्रि सेल शुरू हो गई, कल महाशिवरात्रि है। वैसे आपको बता दो कि साल में 12 दिन शिवरात्रि होती है, लेकिन महाशिवरात्रि भाई उस दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, ठीक है, झुक के नहीं चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है हर हर महादेव। तो शिव 25 आपको कूपन कोड यूज करना, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ये तो कंबाइंड एनसीईआरटी जो कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री की हिंदी में भी पीडीएफ अपडेट हो चुकी है। अभी तक हमने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं दोस्तों, लेकिन परसों से प्राइस बढ़ जाएंगे क्योंकि यूपीएससी में हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। अब 2 या 3 मार्च से यूपीएससी में लाइव क्लासेस शुरू होंगी, बाकी एसएससी बैंकिंग सारे शानदार कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे रशियन फोर्सेस जो है वो एडवांस कर रही है भाई। आप समझिए कीव जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, फिर खार्किव मतलब इंपॉर्टेंट शहर जो है यूक्रेन के, वो रशिया में कब्जे में आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए वैसे तो ये एक तरफा वॉर था, व्लादिमीर पुतिन को लगा कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्लादिमीर जेलेंस्की ने पूरा खेल बदल दिया, इतना ज्यादा जोश, जहां सबको लगा था कि शायद व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका चले जाएंगे, बाइडेन ने भी उनको प्रस्ताव दिया लेकिन उसको ठुकरा दिया, और उन्होंने अपना वीडियो जारी किया 40 सेकंड का अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कि प्रधानमंत्री यहां आए, हम यहां हैं, हर कोई यहां है, यूक्रेनियंस यहां है, सोल्जर्स यहां है, हम हथियार नहीं डालेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। तो ये चीज है। अब देखिए ये बहुत मतलब देखिए व्लादिमीर पुतिन को लगा ये वॉर जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन के लिए ये खतरनाक साबित हो रहा है। रशिया जीत के भी हार रहा है, क्योंकि एक तो जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और उसके बाद फिर व्लादिमीर जेलेंस्की का हथियार नहीं डालने का फैसला, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों एक साथ हो रही हैं। अब इसी दौरान ये चीज मोराल बूस्टर है। अब युद्ध में कुछ भी आपका मोराल बूस्ट कर दे, तो जो ऊपर से फाइटर जेट्स जा रहे हैं, तो यहां पे हर कोई बोल रहा है कि घोस्ट ऑफ कीव। तो अब ये वीडियो सही है नहीं है, ये तो कंफर्म है कि पायलट जिसका नाम नहीं पता, अननेम्ड पायलट, उसने 6 फाइटर्स को मार गिराया है, ये तो कंफर्म्ड है। लेकिन क्या जो वीडियोस आ रहे हैं वो सही है नहीं है ये नहीं पता, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है इन चीज की वजह से कि भाई कुछ तो बढ़िया बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके की न्यूज जो है, वो फाइटर जेट जिसने लगभग 6 रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया, यूक्रेनियंस में एक उम्मीद पैदा हो गई है कि हम ये वॉर को जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2 SU-35, 1 SU-27, 1 MiG-29 और 2 SU-25,
छह फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। अब एस कौन होता है? वो जिसने पांच से ज्यादा या उस पांच या उससे ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो वॉरफेयर में मार गिराए हैं। यूक्रेनियन अथॉरिटी ने भी ये कंफर्म किया है कि घोस्ट ऑफ कीव इज रियल। भाई जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, यूक्रेनियन के मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स, ये सब ट्वीट कर अपने ट्विटर हैंडल पे कि भैया घोस्ट ऑफ कीव रियल है, उसने सच में ये कारनामा किया है। लेकिन वही है कि ये जो फॉर्मर पॉलिटिशियन है, डिप्लोमैट्स हैं, ये विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देख रहे हो यूक्रेनियन की इतनी ताकत है, एक जो पायलट है वो छह छह पे भारी है यहाँ पे। प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको ने देखिए अब ये फोटो पोस्ट की है, ये देखिए ये यहाँ पे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि भाई देखो MiG-29 जेट, ये यूक्रेन का MiG-29, एक MiG-29 जेट ने छह विक्ट्रीज की क्लेम की है पिछले 30 घंटों में, छह रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया है और इसको हम घोस्ट ऑफ कीव नाम दे रहे हैं। अब इसके घोस्ट ऑफ कीव के नाम से ट्विटर हैंडल चल गया है। एक और एग्जाम्पल है यूक्रेनियन के लोगों का कि हम हार नहीं मानेंगे और आखिरी वक्त तक हम लड़ेंगे, ये देख सकते हैं। ये आपने देखा यहां पे मारा गिराया था उसको। तो अब बात यही है कि ये वीडियो रियल है कि नहीं है, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं ले सकता, इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि ये वीडियो सही है नहीं है। बट बात ये है कि इस पायलट ने तो मार गिराया है, ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या हीरोइक घोस्ट ऑफ कीव रियल है? देखिए फैक्ट चेकर कहता है नहीं, इट्स नॉट रियल, अगर न्यूट्रल एजेंसी की माने। बट यूक्रेन की सरकार कह रही है कि नहीं ये बिल्कुल रियल है। मैंने बताया ना कि यूक्रेन की सरकार ये बोलेगी क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना है, तो मोटिवेशन के लिए जो भी मिल जाए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, इन्होंने बोला है कि पायलट का नाम घोस्ट ऑफ कीव है, हो सकता है रियल है, बट ये वायरल वीडियो जो अभी आपको दिखाया दैट इज नॉट, देखिए इसके बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं, हो सकता है रियल हो सकता है ना हो। देखिए मार तो गिराया है रशियन फाइटर्स एयरक्राफ्ट जो है उसको डेफिनेटली मार गिराया है, तो ये तो हुआ है, लेकिन ये वीडियो रियल है ये नहीं पता, ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। अब ये YouTube पे ओरिजिनली अपलोड हुआ था और उसके बाद ये बहुत ही तेजी से वायरल हुआ। कॉमरेड कॉम ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में मतलब ये नाम दिया था। तो दोस्तों बात कुल मिला के बात यही है कि इस तरीके की स्टोरीज जो है रियल हो चाहे ना हो ये बड़ी मदद करती है युद्ध में। फिलहाल रशिया पूरी तरीके से गलत नहीं है, हमको ये भी मानना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन, देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति है, उन्होंने गलती तो की बहुत बड़ी। अब व्लादिमीर पुतिन ने इससे पहले बहुत चेतावनी भी दी थी और बहुत बार बोला भी था कि मान जाओ, लेकिन जेलेंस्की माने नहीं और उसके बाद आखिरी वक्त तक बोला था, और अभी भी अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो बातचीत करने को तैयार है लेकिन बेलारूस में बातचीत करने से मना कर दिया है। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि अब चीजें सामान्य शायद होने लगेंगी अगले कुछ दिनों के बाद। हालांकि कल ब्रिटिश के एक मिनिस्टर के सेक्रेटरी, उनका बयान आया था कि ये जो वॉर है ये सालों तक चल सकता है, लेकिन दोस्तों इससे कोई शायद सहमत नहीं होगा। सालों तक क्या, शायद इसी हफ्ते में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ये वॉर तो रुकना ही है, वरना तो फिर फायदा नहीं है ना। कुछ नहीं पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।